हम राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मौजूद हैं और हमारे साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी ने कहा कि हम 2023 नहीं 2028 को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया, तो क्या मानते हैं ये 2028 की तैयारी? देखिए, ऐसा है, अगले साल इलेक्शन है, बजट जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो, मैं तो उसी पर स्ट्रेस करता हूँ, उतना ही अच्छा रहेगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो टिप्पणी आपको भी मालूम है, मैंने भी सुनी, सबने जनता ने सुनी, वो मुख्यमंत्री जी सक्षम है उसको जवाब देने में, मैं कोई कमेंट करूं उस पर वो अशोभ नहीं होगा। लेकिन सरकार तत्पर काम कर रही है और तत्परता से काम कर रही है, और निश्चित रूप से आप देखिए, राठौर साहब अभी बने हैं, एक साल हो गया इनको चेयरमैन, कितना RTDC में डेवलपमेंट हुआ है, पहले सुन व्हील चल गई और भी चीज़ें चल गई, अभी होटल का भी कायाकल्प होंगी, प्रॉपर्टीज की कायाकल्प होंगी, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा। किस तरह से देखते हैं सर इस गहलोत सरकार के 4 साल के कामकाज को और बजट? देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि ये 5वां बजट पेश हो चुका है और सबसे ज़्यादा बजट मिला है पर्यटन विभाग को इतिहास में, किसान बजट अलग मिला है। लेकिन सबसे खास बात इन 5ों बजट की ये है कि एक भी बजट में किसी जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया। पर्यटन के लिए तो बहुत स्कोप है, अभी आप चेयरमैन साहब मैड्रिड होके आए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम वो भी होके आई हैं स्पेन में, और इनको इंटरनेशनली और नेशनली हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो नॉन स्पीकिंग प्रदेश हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है या उड़ीसा है, उनकी भाषा में हम CM साहब की तरफ से बसों पर, पेट्रोल पंप्स पर, सब जगह एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पधारो हमारे देश। तो बेसिकली चीज़ ये है कि इसमें हमको पत्रकारों की, आप जैसे महानुभावों की बहुत ज़रूरत चाहिएगी, वो मदद करें, क्योंकि इससे, और जो रूरल टूरिज्म पॉलिसी बनी है वो ऐतिहासिक पॉलिसी है, फिल्म टूरिज्म पॉलिसी हमने बना दी वो भी ऐतिहासिक पॉलिसी है, और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर कमर्शियल से इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हर चीज़ आधे से कम हो गई। किसी मेरे मित्र का फ़ोन आया था कि मेरा रणथंभौर में होटल है, मेरा 2 लाख रुपए महीने का बिल कम हो गया बिजली का, तो प्रोत्साहन पूरा दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जितना प्रचार कर सकें कि राजस्थान के लोगों के लिए और राजस्थान के लिए भला होगा, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। विधानसभा में आज मेरी क्लास लेनी है तो ये है मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि सरकार का बजट ऐतिहासिक है और उसको जल्द पूरा करके जनता के जो काम है उसे पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ राजस्थान चौक के लिए भरत चौधरी।